Hello everyone, I am Anamika Kulshrest, is appointed as an associate professor in Arya College of Pharmacy, and today we are going to start our new subject, Hospital and Clinical Pharmacy. This subject is included in your diploma second year as per new curriculum of the university. Okay, so today we are going to start with the first topic, Hospital Pharmacy. This hospital pharmacy is a new subject of diploma second year as per the new curriculum. इस हॉस्पिटल फार्मेसी में हमको हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है. तो बिफोर स्टार्टिंग द हॉस्पिटल फार्मेसी वी शुड नो अबाउट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल क्या होते हैं? फर्स्ट हॉस्पिटल. हॉस्पिटल को हम अगर एक जनरल लैंग्वेज में अगर बोलें, एक सिंपल अगर टर्म दें, तो इट इज़ द होम ऑफ सिक पीपल. हॉस्पिटल इज द होम ऑफ सिक पीपल. ऐसा घर यहाँ पर सिक पीपल रहते हैं, जो भी बीमार हैं वो कहाँ रहते हैं? हॉस्पिटल में रहते हैं. अगर इसका हम इसको इसके वर्ड्स के अगर अलग अलग मीनिंग देखें हॉस्पिटल के, तो एच ओ एस पी आई टी ए एल. एच स्टैंड्स फॉर हीलिंग. कंप्लीट अगर मीनिंग देखें हॉस्पिटल का, तो एच स्टैंड्स फॉर हीलिंग. हीलिंग मीन्स क्या है? कि जो भी घाव है इसको भरना. ठीक है, जो भी आपकी डिजीज है, जो भी बीमारी है, उसको क्योर करना क्या हो गया? हीलिंग हो गया. नेक्स्ट है ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स जो भी पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, जो भी यहाँ पर आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका होम ऑफ सिक पीपल है हॉस्पिटल, मीन्स वहाँ पर क्या होंगे? सिक पीपल होंगे. तो उन सिक पीपल के जो केयरिंग हो रही है, जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा रहा है, उनको देखा जा रहा है टाइम टू टाइम, दिस इज नोन एज अ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर सुपरविजन. सुपरविजन मीन्स जो भी पेशेंट है हॉस्पिटल में, जो भी पर्सन है हॉस्पिटल में, उनका सुपरविजन बाय द सीनियर्स डॉक्टर्स हैं आपके, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है सुपरविजन किया जा रहा है कि उनकी क्या उनके इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन. पी स्टैंड्स फॉर पर्सुएशन. पर्सुएशन मीन्स कि क्या क्या आगे इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी कंडीशन को देखते हुए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका भी अंदाजा लगाया जाता है इसमें. आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन मीन्स मेडिकल टेस्ट, डिफरेंट मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं इनके, उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनको देखा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ हमें मेडिसिन देनी, कहाँ उसको क्योर करना है. टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट. अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी प्रॉब्लम उसकी आई है उसको हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे. देन ए स्टैंड्स फॉर एश्योरेंस. एश्योरेंस मीन्स उसको एश्योर करेंगे कि द पेशेंट विल बी कंप्लीटली फिट. उसको ठीक करने के बाद में उसको एश्योर किया जाएगा कि वो अब ठीक है. एल स्टैंड्स फॉर लीजर. ठीक है, कि उसकी और क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, वो उसको पूरा करना. तो अगर हॉस्पिटल का हम अगर कंपाइल फॉर्म में इसका अगर मीनिंग देखें, इसका अलग अलग वर्ड का मीनिंग देखें, तो एच स्टैंड्स फॉर हीलिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्वेशन, एस स्टैंड्स फॉर सुपरविजन, पी स्टैंड्स फॉर पर्सुएशन, आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रीटमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एश्योरेंस एंड एल स्टैंड्स फॉर लीजर. ठीक है, ये इसका कंप्लीट मीनिंग है हॉस्पिटल का. नाउ अगर इसकी डेफिनेशन दें हम हॉस्पिटल की, तो कैसे डिफाइन करेंगे हॉस्पिटल को? डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल, द वर्ड हॉस्पिटल, जो वर्ड हॉस्पिटल है वो कहां से ड्राइव किया गया? इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. एक लैटिन वर्ड जो हॉस्पिटल इट्सेल्फ इट इज़ अ लैटिन वर्ड हॉस्पिटल, जो कि फर्दर कहाँ से ड्राइव किया गया है? फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. फ्रॉम एक फ्रेंच वर्ड है हॉस्पिस. ठीक है, ये जो लैटिन हॉस्पिटल इट्सेल्फ इज़ अ लैटिन वर्ड, या फिर ये बोल सकते हैं जो हॉस्पिटल वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया हुआ है? एक लैटिन वर्ड हॉस्पिटल से ड्राइव हुआ है, जो कि फर्दर एक फ्रेंच वर्ड हॉस्पिस से ड्राइव हुआ है. हॉस्पिस मीन्स क्या हो जाएगा? होस्ट और अ गेस्ट. ठीक है, होस्ट या गेस्ट को क्या बोला गया है? हॉस्पिटल बोला गया है.
नाउ इसकी डेफिनेशन दें तो हॉस्पिटल क्या है, अ हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट विद स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स। नाउ हाउ वी कैन डिफाइन द हॉस्पिटल, ये तो उसका मीनिंग हो गया हॉस्पिटल का। अब हॉस्पिटल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है। क्या है हॉस्पिटल, एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है विद स्पेशलाइज स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स। वहाँ क्या होते हैं, स्पेशलाइज स्टाफ होता है प्रॉपर और इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प से क्या होता है पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई हॉस्पिटल की। और भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल को हम। सो हॉस्पिटल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो द इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। क्या हो जाएगा ये, इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। मीन्स ये है कि एक प्रॉपर इंडिविजुअल के लिए नहीं है हॉस्पिटल, इट्स अ इंस्टीट्यूशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, पूरी कम्युनिटी को हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं आपके हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, और क्या क्या प्रोवाइड करता है, कई सारी हॉस्पिटल जो है कई सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे कि प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ फॉर डायग्नोसिस। वहाँ पर क्या होता है, डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी हेल्थ केयर रिलेटेड, वहाँ उसका डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस और थेरेपी, रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन, एजुकेशन, रिसर्च। ठीक है, ये क्या क्या और क्या क्या है इसमें ये प्रोवाइड कराता है, तो हॉस्पिटल क्या डायग्नोसिस प्रोवाइड कराएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, थेरेपी, डायग्नोसिस के बाद में उसको हम क्या क्या थेरेपीज, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन के अलावा हम क्या क्या थेरेपीज दे सकते हैं वो प्रोवाइड कराता है, रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराता है, वहाँ पर रुकने की प्रॉपर अरेंजमेंट होता है आपका, जो भी प्रॉब्लम है अगर सपोज वो होम जाकर आपका केयर नहीं हो पा रही है, हॉस्पिटल प्रोवाइड द प्रॉपर केयर देयर। प्रिवेंशन, कोई भी डिजीज़ है उसकी प्रिवेंशन के बारे में बताता है, एजुकेशन रिलेटेड टू मेडिसिन है आपका, प्रॉपर केयर है, पेशेंट केयर है, उससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराता है, रिसर्चेस, डिफरेंट रिसर्चेस प्रोवाइड कराता है। तो ये आपके कहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, सारे हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट, अगर फंक्शन की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या क्या फंक्शन होते हैं, हॉस्पिटल के मेन फंक्शंस की बात करें तो क्या क्या फंक्शंस हो जाएंगे इसके, फंक्शंस फंक्शंस में आपके इसमें यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट केयर है, पेशेंट केयर, और क्या होता है, पब्लिक हेल्थ केयर है, पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन सर्विसेज बताई दिया है इसमें, एजुकेशन सर्विसेज है इसमें, रिसर्चेस है, मेडिकल सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं हॉस्पिटल के। तो ये जनरल हॉस्पिटल के बारे में है। अब इसमें हॉस्पिटल को भी क्लासिफाई किया गया है, हॉस्पिटल का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, किस तरह से, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेड्स, ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, थोड़ा सा बेसिक इसमें बता देते हैं हॉस्पिटल के बारे में क्या होता है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। ठीक है, तो कई सारे बेसिस इसमें, जो पहला बेसिस है इसके ऑन क्लिनिकल बेसिस, फर्स्ट ऑन क्लिनिकल बेसिस। इसमें क्या होगा, क्लिनिकल बेसिस में क्या होगा कि इसमें भी कई सारे और क्राइटेरिया हैं इसमें, मेडिसिन के बेस पे। ठीक है, तो इसमें इसके बेस पे क्या होगा, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं,
पीडियाट्रिक्स जो आपके छोटे बच्चों के हॉस्पिटल्स होते हैं, दूसरा आपका इसमें साइकेट्रिक और नर्वस डिसीजेज के हॉस्पिटल होते हैं, साइकेट्रिक एंड नर्वस डिजीज हॉस्पिटल, नर्वस डिजीज। और इसमें टीबी के अलग होंगे, टीबी एंड जनरल मेडिसिन। ठीक है, तो ये हो गया मेडिसिन के बेस पे हो गए आपके, पीडियाट्रिक्स के हो गए, साइकेट्रिक और नर्वस डिजीज के अलग हॉस्पिटल्स होंगे, टीबी के अलग होंगे हॉस्पिटल्स इसमें, और जनरल मेडिसिन वाले अलग हॉस्पिटल्स होंगे। नाउ नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा इसमें सर्जरी। अब सर्जरी के बेस पे भी सर्जरी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी अलग अलग होंगे इसमें। अब किसकी सर्जरी है इसमें, तो इसमें आपके आ जाएंगे ऑर्थोपेडिक, जो आपकी बोन्स रिलेटेड जो भी सर्जरी हो रही है आपकी। नेक्स्ट आपका गायनेकोलॉजी वाले हॉस्पिटल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका ENT हॉस्पिटल है। तो ये मेडिसिन और सर्जरी की हो गए। अब इसमें आपके आते हैं क्लिनिकल बेसिस में, आपके थर्ड नंबर पे आते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल अलग होते हैं। अब मैटरनिटी हॉस्पिटल भी आपके दो तरह के होंगे, इसमें भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मीन्स आपके शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना है पेशेंट को या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है उसके बेस पे भी ये है आपके। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये आपके मैटरनिटी में आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका, फर्स्ट हो गया ऑन द क्लिनिकल बेसिस। नेक्स्ट है आपका नॉन क्लिनिकल बेसिस। नॉन क्लिनिकल बेसिस पे आपके फिर फर्दर डिवाइड है इसमें, जिसमें आपके दो इसमें बेसिस है। एक आपका गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। दूसरे आपके इसमें आते हैं नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपके कई सारे आ जाएंगे इसमें, जैसे कि इसमें आपके आर्मी है, नेवी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपके आर्मी हॉस्पिटल्स जो होते हैं आपके, नेवी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसमें सिटी हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है, और सिविल हॉस्पिटल्स, और इसमें आपका एम्स और PGI एक्सेट्रा, ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, नॉन क्लिनिकल बेसिस पर, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपके ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो नॉन गवर्नमेंट में आपके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट वाले हॉस्पिटल्स हो जाते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। नाउ प्राइवेट फॉर प्रॉफिट, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं, फॉर प्रॉफिट, ठीक है। और नॉन प्रॉफिट होते हैं आपके, कुछ आपके नॉन प्रॉफिट होते हैं कि वो अपना प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, होते प्राइवेट ही पर नॉट फॉर द प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट में आपके आ जाएंगे इसे चर्च हॉस्पिटल्स हैं आपके, ठीक है। अब कम्युनिटी हॉस्पिटल्स होते हैं आपके प्राइवेट में, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स, ठीक है। और इसमें आपके आ जाएंगे आपके मिशनरी आ जाएंगे और चैरिटेबल आ जाएंगे। मिशनरी हॉस्पिटल्स होते हैं जो क्रिश्चियंस के होते हैं, मिशनरी, और कुछ होते हैं जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं, चैरिटेबल, ठीक है। तो ये आपके किस बेसिस पे हो गए, नॉन क्लिनिकल बेस पे आपके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। अब आपके बेड कैपेसिटी के बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ बेड कैपेसिटी। बेड कैपेसिटी के बेस पे आपके किस तरह के हॉस्पिटल्स होंगे इसमें, तो इसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल और वेरी स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज हॉस्पिटल्स में क्या होगा, इनके जो बेड होते हैं 1000 मिनिमम एंड एवर, ठीक है। जो मीडियम हॉस्पिटल्स हैं आपके, मीडियम हॉस्पिटल्स में जो बेड कैपेसिटी है वो होगी आपकी 500 to 1000,
ठीक है। स्मॉल हॉस्पिटल जो है, स्मॉल हॉस्पिटल्स में बेड कैपेसिटी होगी 100 to 500, और वेरी स्मॉल जो हॉस्पिटल्स हैं आपके उसमें बेड कैपेसिटी होगी लेस देन 100। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बेड कैपेसिटी हॉस्पिटल्स। अब नेक्स्ट बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के बेस पे कितने टाइप्स के आपके हॉस्पिटल हैं, तो इसमें हो जाएंगे आपके एलाइट, एक तो होता है आपका एलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं जो आपके हाई कॉस्ट होते हैं, दीज आर वेरी कॉस्टली, एलाइट हॉस्पिटल्स आर वेरी कॉस्टली। ठीक है, नेक्स्ट आपके इसमें आते हैं बजट वाले आते हैं, बजट हॉस्पिटल जो होते हैं वो मॉडरेट बजट के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट, ये मॉडरेट होते हैं। नेक्स्ट आपके आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं इसमें आपके, और नर्सिंग हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया जो हॉस्पिटल्स है उनका जनरल क्लासिफिकेशन है कि किस तरह से हम हॉस्पिटल्स को डिवाइड करते हैं। तो ये सारा आपका इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द हॉस्पिटल। बिफोर स्टार्टिंग द हॉस्पिटल फार्मेसी वी हैव स्टडीड अबाउट द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स होते क्या हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनकी फैसिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है। तो नाउ अवर जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी। ठीक है, अब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। तो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है, यहाँ पर क्या होगा जो कि आपके जो भी मेडिसिन है उसके प्रोडक्शन में, स्टोरेज में, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी ठीक है। तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करें या फिर ऐसे बताएं कि क्या कौन सी प्लेस होती है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इट इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की आपका एक डिपार्टमेंट होता है विच डील्स विद द, किससे डील करता है, विच डील विद द प्रोक्योरमेंट स्टोरेज कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी डील्स किससे डील करता है, ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट से, स्टोरेज, इसका प्रोक्योरमेंट कैसे हो रहा है, स्टोरेज कैसे हो रहा है, कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं उसकी, डिस्पेंसिंग कैसे कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं उसकी, ठीक है, टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ड्रग्स का होता है, इट ऑल ओवर इट डील्स विद द ड्रग्स। क्योंकि फार्मेसी है, द वर्ड फार्मेसी डील्स विद द ड्रग्स। ठीक है, अब ये सारा काम जब आपके एक हॉस्पिटल की एक डिपार्टमेंट कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी बोलेंगे। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रैक्टिस है, जो फार्मेसी प्रैक्टिस चल रही है हॉस्पिटल में, इट इज़ ऑल्सो डन अंडर द प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं आपके उनके अंडर में जो हॉस्पिटल फार्मेसी की प्रैक्टिस चल रही है वो भी आपका एक हॉस्पिटल फार्मेसी का ही डिपार्टमेंट होता है। नाउ देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी। अब फार्मेसी भी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी होती है आपके, जो कि आपके यहाँ पर आपके ट्रेन फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी यहाँ पर आपके जो ट्रेन फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में वर्क करेंगे, साथ में आपकी और भी फार्मेसी होती है यहाँ पर आपकी जो ट्रेन फार्मासिस्ट है वहाँ वर्क करते हैं। यहाँ पर ट्रेन फार्मासिस्ट फार्मेसी वेयर ट्रेन फार्मासिस्ट वर्क। इनमें आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें एक होता है आपका इसमें कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल, कंपाउंडिंग, कंसल्टिंग फार्मेसी,
रेगुलेटरी और आपकी आती है इसमें होम केयर फार्मेसी। ओके, अब और जो आपकी फार्मेसी की इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी, एक पहला हो गया आपका कम्युनिटी फार्मेसी, मींस कम्युनिटी फार्मेसी मींस जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरे आपके कम्युनिटी लेवल पे अगर जो ड्रग्स अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, डिस्पेंसिंग की जाए, कंपाउंडिंग की जाए, इट इज़ इंक्लूडेड इन द कम्युनिटी फार्मेसी। दूसरा आपका आ गया इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल में अगर अलग से एक फार्मेसी का डिपार्टमेंट जो होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी। थर्ड होता है आपका क्लिनिकल फार्मेसी, जब जो ड्रग्स वगैरह है उनकी टेस्टिंग हम जब क्लिनिकली करें, क्लिनिकली पेशेंट या फिर आपके जो वॉलंटियर्स होते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं या पेशेंट होते हैं, उनमें जब हम क्लिनिकल टेस्ट लगाएंगे ड्रग्स का, देन इट इज़ इंक्लूडेड इन द क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट होता है आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या होता है आपका, जो ड्रग्स बनाई जाती है यहाँ पर कंपाउंडिंग की जाती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो वहाँ भी आपके ट्रेन फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो गया। कंपाउंडिंग फार्मेसी, यहाँ आपके ड्रग्स की कंपाउंडिंग की जाती है, किस तरह से उनको मिक्स करना है, क्या क्या उनके कंस्टिट्यूएंट होंगे, तो ये भी एक अलग से इसमें फील्ड होता है फार्मेसी का। कंसल्टिंग फार्मेसी, यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ कंसल्टेंसी की जाती है, कंसल्टेंट किया जाता है यहाँ पर पेशेंट के साथ में, और जो आपके हेल्दी वॉलंटियर्स होते हैं, हेल्दी पर्सन होते हैं, उनके साथ में कंसल्टेंट किया जाता है कि क्या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। दूसरा इसमें आपका है रेगुलेटरी फार्मेसी, इसमें लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड जो भी होता है आपका इसमें लॉ एंड ऑर्डर्स इसमें आते हैं। होम केयर फार्मेसी, आपके होम में जो आपकी अगर फार्मेसी आपने एक बना रखी है कि हम इस तरह की जो बोल सकते हैं फर्स्ट एड टाइप की जो होती है, वो होती है आपकी होम केयर फार्मेसी। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मेसी हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, डेफिनेशन होगी हॉस्पिटल फार्मेसी की। अब स्कोप क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी के, क्या क्या इसमें स्कोप होते हैं आपके हॉस्पिटल फार्मेसी, सपोज हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट आपके अपॉइंट किए जाते हैं या जो हॉस्पिटल में फार्मेसी बनाई जाती है, उसका क्या स्कोप है, क्यों बनाया जाता है। तो फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ है, इसमें कई सारे इसके कमेटी फंक्शंस होते हैं इनके, हॉस्पिटल फार्मेसी कई सारे कमेटी फंक्शन होते हैं, एक इंडिविजुअल फंक्शन नहीं है, कमेटी के फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला इसका है, इट सर्विस एज एन एडवाइजरी कैपेसिटी टू द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टू यूज़ ऑफ ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है एक तरह से क्या होता है, दे कैन गिव द रिकमेंडेशंस दे सकते हैं ये अपने रिकमेंडेशंस, इनके पास पावर होती है, अपने रिकमेंडेशंस बनाने की पावर होती है, कैपेसिटी होती है, जो कि आपका मेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को बताता है कि ड्रग्स का यूज़ कैसे करना है। तो जो भी आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, हॉस्पिटल में जो आपकी फार्मेसी होती है, उनके पास एक पावर होती है एडवाइस देने की, रिकमेंडेशन देने की अपनी, कि किस तरह से जो ड्रग है उनका कैसे यूज़ करना है, वो अपना जो रिकमेंडेशन है वो मेडिकल स्टाफ को दे सकते हैं या फिर आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि हमें जो ड्रग है वो किस तरह से यूज़ करना है। तो पहला आपका ये हो गया इसमें। नेक्स्ट है, टू डेवलप अ फॉर्मुलरी ऑफ ड्रग एक्सेप्टेड फॉर यूज इन द हॉस्पिटल्स। अब नेक्स्ट जो फंक्शन होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का या फिर जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, उनमें क्या होता है, दे डेवलप अ फॉर्मुलरी, एक फॉर्मुलरी डेवलप करते हैं ड्रग्स की। तो उसमें क्या होगा कि किस तरह से उसका जो आपके ड्रग्स है किस तरह के उसको यूज़ करना है, तो उसका एक फॉर्मुलरी डेवलप करते हैं, उसको टाइम टू टाइम क्या करते हैं उसका रिवीजन करते हैं, जो आपके फॉर्मुलरी निकालते हैं उसके कुछ टाइम बाद उसका कांस्टेंट रिवीजन भी करते हैं कि किस तरह से हमें ड्रग का यूज़ करना है हॉस्पिटल्स में। ओके, नेक्स्ट इसका है, द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलरी। अब जो भी जो फॉर्मुलरी है, जो आपके रूल्स बनाए गए हैं उसमें, जो किस आइटम्स के बारे में बताना है, जो ये जो सारा सिलेक्शन होता है वो भी आपके कहाँ होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में ही होता है। तो वो जो ये जो सिलेक्शन है, द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, ये किस पे बेस होगा, तो ये सिलेक्शन किस पे बेस रहेगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ देयर रिलेटिव थेरापेटिक मेरिट्स। ठीक है, कि उसकी जो भी ड्रग हम जो चॉइस जो भी हम चूज़ कर रहे हैं ड्रग, उसकी थेरापेटिक सेफ्टी क्या है, थेरापेटिक इफेक्ट क्या है उसका, और कॉस्ट क्या है उसकी, मेरिट्स क्या है उसके, एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके बेस पर जो फॉर्मुलरी है उसमें आइटम्स इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, और मेन जो इसमें जो कमेटी बनाई गई है सिलेक्शन करने के लिए फॉर्मुलरी की, उस कमेटी में क्या होगा, ज़्यादातर क्या करेंगे वो उससे डुप्लीकेशन को मिनिमाइज़ करेंगे, डुप्लीकेशन है उसको कम करेंगे, जो सपोज कई बार डुप्लीकेट मेडिसिन भी आ जाती है उसको मिनिमाइज करते हैं जो फॉर्मुलरी है। नेक्स्ट है, टू एस्टेब्लिश और प्लान सुटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक है, एक सुटेबल एजुकेशनल प्रोग्राम को भी एस्टेब्लिश करने में हॉस्पिटल फार्मेसी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करते हैं,
वो एक इसमें प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरह से हमको कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी देनी है, हमें किस तरह से जो पेशेंट को हमें कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग थेरेपी देनी है कि उसकी कॉस्ट कम हो और उसकी थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा हो। तो वो भी ये सारी चीज़ें कौन एस्टेब्लिश करता है? हॉस्पिटल फार्मेसी में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, टू रिव्यू एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकरिंग द हॉस्पिटल। ठीक है, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस वगैरह होती हैं ड्रग से, उसके बारे में भी हॉस्पिटल वालों को बताते हैं कि ये इससे ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है, तो इस ड्रग को अवॉइड किया जाए या इसको बैन किया जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? हॉस्पिटल फार्मेसी से मिलती है। नेक्स्ट स्कोप है टू इनिशिएट रिव्यू प्रोग्राम्स। कई सारे रिव्यू प्रोग्राम्स होते हैं, उनको भी इनिशिएट करते हैं। किसके लिए? जैसे कि आपके ड्रग के यूज़ के लिए, जो ड्रग का यूज़ है उसके लिए कई सारे रिव्यू प्रोग्राम्स भी बनाए जाते हैं किस तरह से हमें ड्रग्स को यूज़ करना है। नेक्स्ट है टू एडवाइस द फार्मेसी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फार्मेसी में क्या करते हैं? ये एडवाइस करते हैं जो फार्मेसी है उसमें ये एडवाइस करते हैं कि इसमें और कौन कौन सी ड्रग का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपके जो आउट पेशेंट है या इन पेशेंट है उनको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उनमें हम क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि आपकी इफेक्टिव ड्रग वहाँ जाके पहुँच। नेक्स्ट इसका स्कोप है टू मेक रिकमेंडेशंस कंसर्निंग ड्रग्स टू बी स्टॉक्ड। ठीक है, ये लोग अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन सी ड्रग हमें स्टॉक में रखनी है या कौन सी ड्रग हमें निकालनी है स्टॉक से। जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, जो आपकी इमरजेंसी ड्रग्स से, उनको आपको स्टॉक में हमेशा रखना है। तो वो जो लिस्ट है वो आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे आपके जो हॉस्पिटल फार्मेसी है, हॉस्पिटल में अलग से डिपार्टमेंट होता है इसका, ये मेन स्कोप होता है। इन सारी इसमें ये लोग क्या करते हैं? रिकमेंडेशंस करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। वो तो स्कोप हो गया कि स्कोप क्या क्या है इसमें, अब हॉस्पिटल फार्मेसी फंक्शंस क्या प्रोवाइड करा रहा है। तो पहला इसमें फंक्शन है फोरकास्ट ऑफ डिमांड, सिलेक्शन ऑफ रिलायबल सप्लायर। सबसे पहले ये बताएगा कि आपको जो भी आपकी डिमांड है, ड्रग की डिमांड है, उसके लिए रिलायबल सप्लायर्स कौन से हैं। तो वही वो आपके हॉस्पिटल फार्मेसी ही बताएगी इसमें कि कहाँ से आपको जो मेन ड्रग की सप्लाई है वो कहाँ से प्रॉपर मिल पाएगी। दूसरा इसमें है मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। क्या होता है इसमें? बहुत सारे इसमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। तो पहला इसमें हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ परचेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो आपके जो भी आपके परचेस्ड हैं, परचेस्ड प्रोडक्ट्स, जो आपने प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदे हैं या फिर खुद हॉस्पिटल में अगर मैन्युफैक्चर किए हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की जो रिकॉर्ड है उसको किस तरह से हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड का जो मेंटेनेंस है वो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकामेंट्स इन द वार्ड्स। ठीक है, आप हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड्स बने होते हैं, वहाँ पर आपका मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस किस तरह की, सपोज कौन सा वार्ड है आपका, किस पर्टिकुलर किसी डिजीज़ का है या कॉमन वार्ड है, तो उसमें आपकी जो जनरल आपकी मेडिसिन होती है, जनरल नीड वाली मेडिसिन होती हैं, वो पहले वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो ये जो आपका पूरा रिकमेंडेशन है वो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी से ही होता है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट वार्ड्स में, वो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी ही करता है। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकामेंट्स टू आउट पेशेंट। ठीक है, दो तरह के पेशेंट्स होते हैं, आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स। इन पेशेंट जो होते हैं वो आपके हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं, और आउट पेशेंट्स हॉस्पिटल के बाहर रहते हैं, वो आप जस्ट फॉर द प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो उनको जो मेडिसिन का जो डिस्पेंसिंग होता है कि कौन सी मेडिसिन कब खानी है, प्रॉपर क्या लेना है, इसमें जो टाइमिंग है उसका, वो डिस्पेंसिंग आपके हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू ही होती है, वो आपके आउट पेशेंट हो या फिर आपके इन पेशेंट हो। नेक्स्ट फंक्शन है इसका ड्रग इन्फॉर्मेशन सोर्स इन हॉस्पिटल्स। जितनी भी ड्रग की इन्फॉर्मेशन है कि कोई कौन सी ड्रग मार्केट में नहीं आई है या फिर इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, जितनी भी ड्रग्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो हॉस्पिटल फार्मेसी ही उसका मेन सोर्स है। नेक्स्ट सेंटर फॉर ड्रग यूटिलाइजेशन स्टडीज़। अब ड्रग को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, उसको किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है, ये सारी स्टडी आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में ही होती है। नाउ इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द फार्मेसी एंड थेरापूटिक कमेटी। अब जो भी आपके रिकमेंडेशंस होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हॉस्पिटल फार्मेसी के थ्रू ही होता है। देन पेशेंट काउंसलिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग भी करते हैं, पेशेंट से काउंसिल करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उसको किसी ड्रग से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रही है, सो दैट दे कैन चेंज द ड्रग ऑल्सो। मेंटेनिंग लाइजन बिटवीन द मेडिकल नर्सिंग एंड द पेशेंट। जो आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है, दे हैव टू मेंटेन द लाइजन, दे हैव टू मेंटेन देयर टर्म्स विद द मेडिकल, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो नर्सिंग स्टाफ है आपका और जो पेशेंट है, इन तीनों के साथ में उनको लाइजेंस बना के रखने पड़ते हैं।
क्योंकि उनको तीनों को ही इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको तीनों को ही क्या करना है, रिकमेंडेशंस देने हैं ड्रग के बारे में। ये फंक्शंस हो गए। एक फंक्शन का एक चार्ट भी है, एक चार्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं इसे, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। डिस्पेंसिंग, डिस्पेंसिंग हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन। दूसरा इसमें हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ओके, और क्या क्या हो सकते हैं इसके फंक्शन? परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें रिसर्च हो सकता है, रिसर्च और स्टेटिक्स एंड रिपोर्ट्स, स्टेटिक्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो गया। इसमें और क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, टीचिंग, टीचिंग कंट्रोल। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। डिस्पेंसिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्पेंसिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, और परचेसिंग करना, इन्वेंट्री कंट्रोल करना, ये आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के काम होता है। रिसर्च कोई है, रिसर्च भी कोई नई रिसर्च हो रही है। स्टेटिक्स एंड रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बनाना, स्टेटिक्स लगाना उसमें, टीचिंग और कंट्रोल करना। अब डिस्पेंसिंग में आपका किस में हो जाए? डिस्पेंसिंग में आपके आउट पेशेंट भी हो सकते हैं, इन पेशेंट भी हो सकते हैं आपके। डिस्पेंसिंग किस 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 को डिस्पेंसिंग कर सकते हैं? आउट पेशेंट को भी कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल के बाहर से जो आ रहे हैं पेशेंट, या हॉस्पिटल में एडमिट है जो इन पेशेंट हैं उनको भी डिस्पेंसिंग करना है। और जो मेडिकल सर्जरी भी आपके लेबोरेटरी सप्लायर्स उनके साथ में भी डिस्पेंसिंग करना है। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग की बात करें इसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग बल्क फॉर्म में भी होता है, लार्ज वॉल्यूम्स में आपका पेरेंटल्स है, आपका सर्जिकल्स हैं, इन सबका मैन्युफैक्चरिंग आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में हो सकती है। तो ये फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के? तो पहला इसमें है टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स। तो उनका क्या होता है, जो फंक्शनिंग होती है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज की, उनको प्रोफेशनलाइज करना हॉस्पिटल्स से, बताना कि भाई जो हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विसेज है उनके क्या क्या इसमें फंक्शंस हो सकते हैं, वो हॉस्पिटल में अवेयर करना उसके लिए। नेक्स्ट है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिकेशन, एंश्योर करना हॉस्पिटल में कि इन मेडिसिन की यहाँ पर अवेलेबिलिटी प्रॉपर है, या फिर और जो मेडिसिन से जो आपकी स्टॉक में ख़त्म होने वाली है उनको पहले से अवेयर करना। नेक्स्ट है टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द फार्मेसीज। जो फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं, आपके प्लान हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना और इम्प्लीमेंट करना हॉस्पिटल में। जो भी नया कोई नया लॉ आया है या फिर कोई नई ड्रग डिस्कवर हुई तो उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको प्लान करना, ये भी आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का ही ऑब्जेक्टिव होता है। टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल परचेज, स्टोरेज ऑफ इसेंशियल आइटम। जितने भी आपके जो मटेरियल्स हैं जो पहले से परचेज्ड हैं, या फिर जो स्टोरेज में है आपके इसेंशियल आइटम्स, या फिर कोई नए आपकी परचेजिंग करनी है, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो आपका हॉस्पिटल फार्मेसी का ही होता है इसमें। नेक्स्ट है टू मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री, स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री को मेंटेन करना कि क्या क्या है इसमें, किस तरह से प्लान को फॉलो करना है, किस तरह से हमें मेडिसिन परचेज करनी हो, किस तरह से उसको हमें प्रिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है टू काउंसिल द पेशेंट, पेशेंट काउंसिलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के साथ में भी काउंसिल करना कि कोई ड्रग्स से उसको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको ड्रग को लेने को, देन दे कैन चूज़ अ बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ दिस। टू सर्व एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन, ठीक है, ड्रग की यूटिलाइजेशन पर एज ए सोर्स, एज ए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन, जो भी आप ड्रग यूटिलाइज कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसका पूरा सोर्स कहाँ पर होगा? आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में होगा। और इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं इसमें, और आपका हो सकता है इसमें टू मैन्युफैक्चर ड्रग्स, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना, लार्ज और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं उनका भी मैन्युफैक्चर आपका हॉस्पिटल फार्मेसी में हो जाता है। और टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम्स, कई सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन होता है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वेरियस मेंबर्स, कई सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना,
ड्रग के बारे में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से ड्रग्स को लेना है, उसके लिए वेरियस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और इसमें टू एंगेज द पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़, कई सारी पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व करना, जो पॉपुलेशन के वेलबींग के लिए कई सारी पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़ चलाई जाती है, टू इंटरेक्ट कॉपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद वेरियस अदर डिपार्टमेंट, जो और भी सारे डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल के, उनके साथ में कॉपरेट करना, उनके साथ में इंगेज होना, कोऑर्डिनेट करना, कॉपरेट करना और कई सारे हेल्थ प्रोग्राम्स को रन करना। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल के बारे में डिस्कस किया हमने, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में डिस्कस किया, उसके स्कोप डिस्कस कर लिए, फंक्शंस डिस्कस कर लिए हमने इसके। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।